हरिजन बस्ती त्यून सहित कातला चलौन पंगा चार गांव की आबादी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की हालत बरसात की दस्तक के साथ ही हर वर्ष की तरह खस्ता हो गई है। इस सड़क पर निकासी नाली न बनने से सड़क के बीचों बीच बहते बरसाती पानी से सड़क किसी नाली से कम नजर नहीं आ रही है, तो सड़क टूटने से वाहन चालकों सहित राहगीरों के लिए भी यह सड़क परेशानी का सबब बन गई है। हालांकि इस सड़क की निकासी नाली निर्माण के लिए विभाग द्वारा टेंडर किए गए थे, जिसे एक ठेकेदार द्वारा लिया भी गया था, लेकिन बाद में कई वर्ष निर्माण कार्य शुरू न करने के बाद में विभाग को मजबूरी में ये टेंडर रद्द करने पड़े। अब इसी ठेकेदार को इस सड़क की टायरिंग का कार्य भी दिया गया था, जिसे भी समय पर पूरा न करने पर विभाग द्वारा इस ठेकेदार को पेनल्टी भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी इसी ठेकेदार को नाली निर्माण कार्य भी दे दिया गया। अब ठेकेदार की गलती का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, तो इसके साथ ही सड़क भी किसी नाले से कम नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क की नाली निर्माण कार्य को लेने वाले ठेकेदार को हर्जाना लगाया जाए, जो ऐसे विभाग का नाम खराब करने वाले ऐसे कामचोरों को अगले टेंडर भी न दिए जाए। जो नाली की निकासी के टेंडर लगे थे वो काम नहीं हुआ, उसके बारे में बताएं। इसमें सर ऐसा है, जो हमारा हरिजन बस्ती त्यून खास के लिए जो रोड जाता है, इसमें नाली के जो टेंडर लगे थे वो ठेकेदार ने काम नहीं किया। उसके बाद उस वर्क को जो है एक्शन बिलासपुर डिवीजन नंबर 2 के द्वारा रिसाइन कर दिया गया। अब दोबारा नालियों के टेंडर लगे हैं, प्रेस को गए हुए हैं, जैसे टेंडर हो जाएगा वैसे नालियों का काम चालू कर दिया जाएगा। बाकी इस रोड में बीच में हमारा लगभग 350 मीटर पोर्शन जो है कच्चा है, जिसमें टारिंग नहीं हो पाई है और सोलिंग वगैरह नहीं हो पाया, उसका भी टेंडर लग गया है। और जैसे ही वो टेंडर किसी ठेकेदार को अवार्ड होगा प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तो उस काम को भी जल्दी ही करवा दिया जाएगा। बाकी इसमें जो पैच पड़े हुए हैं, तो अभी बरसात का समय चला हुआ है, जैसे बरसात के बाद समय आएगा टारिंग में पैच लगाने का, तो उसमें पैच वर्क कर दिया जाएगा। ये थी बिलासपुर से सुभाष।